Welcome to Raki Mohotsav by SD Academia. This is Priya Gera, your instructor. आज हम सीखेंगे टेंपल राखी सेट बनाना, जिसमें होगी एक ब्यूटीफुल सी पूजा थाली, भैया राखी एंड भाभी राखी. द बेस्ट पार्ट इज आप इसमें एक्सप्लोर करेंगे रेजिन कास्टिंग टेक्निक टू क्रिएट 3D फ्लावर्स एंड ए ट्रांसलूसेंट थाली बेस विद इंक्स एंड शिमर पिगमेंट्स. इसके फैसिनेटिंग डेकोरेटिव एलिमेंट्स आपकी राखी को रियल टेंपल राखी का लुक एंड फील देंगे एंड इसे और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाएंगे. साथ ही विल मेक श्योर टू कीप एवरीथिंग इन ग्रीन थीम. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद मटेरियल इंट्रोडक्शन. एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माय टेबल, यहाँ पे ढेर सारा मटेरियल पड़ा है जो आज मुझे राखी बनाने में हेल्प करेगा, इंक्लूडिंग भाभी राखी, इंक्लूडिंग भैया राखी और गोल्डन यहाँ पे रिंग्स भी हैं, बेसिस भी हैं, चार्म्स भी हैं. वेल, यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग कि मटेरियल कहाँ से खरीदे. यू कैन बाय दिस DIY किट फ्रॉम SDFineArts.com और इसकी सारी की सारी डिटेल्स मैंने कैप्शन में दे दी है, सो डू चेक इट आउट. तो सबसे पहले शुरू करते हैं भाभी राखी ब्रेसलेट से. ये ग्रीन कलर का ब्रेसलेट है जो मैं भाभी राखी के लिए यूज करूंगी एंड सिमिलरली आज एक मैं ब्रेसलेट का इस्तेमाल करने वाली हूँ भैया राखी बनाने के लिए, विच विल बी वेरी यूनिक. तो रुद्राक्ष ब्रेसलेट मैंने यहाँ पर यूज किया है. अब इसी के साथ मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ गणपति चार्म्स, जो जहाँ पर गणपति जी ने सितार होल्ड किया है, अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक एंड ब्यूटिफुल है. ये जो बेस है मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ, एज यू कैन सी एक साइड पर मंत्र लिखा हुआ है और दूसरी साइड प्लेन है, विच मीन्स कि हिडन मीनिंग के साथ, हिडन मंत्रास के साथ आपकी राखी तैयार होंगी जो इसे और ज्यादा फैसिनेटिंग बनाएंगी. यहाँ पर गोल्डन वट्टी जिसका हम इस्तेमाल करेंगे फॉर टीका एंड गोल्डन रिंग्स जो डेकोरेटिव एलिमेंट्स की तरह हमारे काम आएगी. सो ये हमारा मटेरियल है. जंप रिंग मैं हमेशा रखती हूँ टेबल के ऊपर ताकि कभी पर भी काम आए तो हमें पास हमेशा हो. इसी के साथ जो नेक्स्ट हमारा मटेरियल है वो है टीका, जहाँ पर चावल एंड तिलक मेरे पास है तो मैं ये भी रख लेती हूँ ताकि बाद में डेकोरेट करने के काम आए. एंड सिलिकॉन मोल्ड, एज यू ऑलरेडी नो कि सिलिकॉन मोल्ड के साथ हम किस तरीके से थालीज बनाते हैं. यहाँ पे मेरे पास एक और मोल्ड है, दैट इज फ्लावर मोल्ड, जिसके अंदर मैं फ्लावर बनाऊंगी. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, जहाँ पर हम राखी के अंदर थ्रेड जो है वो इंसर्ट करेंगे. और अब थ्रेड को मैं रिवर्स कर रही हूँ ताकि मुझे एक लूप मिल जाए. आप तो जानते ही हैं कि जो हमारे रेजिन बेस हैं इनके जो लूप्स हैं वो बिल्कुल साइड से साइड होल में इंसर्टेड है, जिस वजह से हमें लूप्स जो है वो खुद क्रिएट करने पड़ते हैं. तो आप देख रहे हो कि राइट साइड पर मैंने कैसे एक लूप क्रिएट करा है, तो बस उसी तरीके से लेफ्ट पर भी मैं लूप क्रिएट करूँगी. पहले हम बिल्कुल इक्वल ले लेंगे और उसके बाद थोड़ा ब्लू टॉर्च के साथ इसको बर्न कर हम इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे, तो हमारे पास दोनों साइड पर ऐसे एक लूप रेडी हो जाएगा. अब हम जंप रिंग का इस्तेमाल करेंगे. जंप रिंग के इस्तेमाल से सबसे पहले हम दोनों ही साइड पर एक नॉट क्रिएट करेंगे ताकि जो भी हमें चीज़ें हैंग करनी हो हम हैंग कर सके. एक साइड जंप रिंग लगाकर मैंने टाइट कर दिया ताकि किसी भी जगह से धागा खिसके ना, तो मैंने एक साइड को प्रॉपरली लूप के अंदर जंप रिंग लगा के टाइट कर लिया और दूसरी साइड को भी सेम तरीके से हम ऐसे ही कर लेंगे. इससे क्या होता है ना कि जंप रिंग अगर लगाती तो धागा खिसकता नहीं, अगर अदरवाइज धागा खिसक जाएगा और आपका थ्रेड लूप वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अब इस तरीके से आप देखिए हमने कैसे रेडी कर लिए. बहुत ही सिंपल था एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग था ये तरीका और दोनों ही राखियों में ये तरीका हमारे काम आएगा. अब दूसरी राखी का भी आप सेम वे देख लीजिए किस तरीके से काम किया है हमने. हल्का सा जब जो हमारा थ्रेड होता है वो जब बर्न हो जाता है ना, तो वो बर्न जो है वो बहुत ही अच्छे से हमारे थ्रेड को पेस्ट करने के काम आता है. तो अब इसके बाद जंप रिंग जहाँ पर हमने लगाई थी वहाँ पर हमने बहुत आसानी से ब्रेसलेट हैंग कर दिए. आपको मैं बोलती हूँ कि 2 मिनट्स राखी कैसे बनाएं, तो वो ऐसे बनाएं. बेस रेडी है, आपके जो ब्रेसलेट्स हैं वो रेडी है, बस आपको इनको टाई अप करना. सो दिस इज ट्रूली DIY. तो अब जो साइड है ना थोड़ा सा उनको मैं हल्का सा लाइटन अप कर रही हूँ विद इंडस्ट्रियल मार्कर, और इंडस्ट्रियल मार्कर के साथ वो थोड़ा सा और सर्कुलर, थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल लगेंगे. आप अगर चाहें तो उनको वैसे भी रख सकते हो नेचुरली, बट मैंने यहाँ पे कर दिया है. अब यहाँ पर हम बहुत ही थोड़ा सा रेजिन लेने वाले हैं. लेट्स से कि यहाँ पर आपको लेना है 4 grams ऑफ रेजिन एंड 2 grams ऑफ हार्डनर. बहुत ही कम सा रेजिन हम यहाँ पर लेंगे और सबसे पहले हम बेस के ऊपर 1 ड्रॉप
अप्लाई कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी ड्रिपिंग ज़्यादा होती है तो आप स्पून के अकॉर्डिंग भी रेजिन ले सकते हो, 1 स्पून रेजिन अप एंड 1/2 स्पून ऑफ हार्डनर। सो चाइम्स अटैच कर दिए हैं एंड एज यू कैन सी राखीज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नजर आ रही है। इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, थोड़ी देर कितना, एग्जैक्ट 24 आवर्स। ओके, तो अब चलते हैं हम थाली की तरफ। तो सबसे पहले हमने मोल्ड ले लिया। मोल्ड के अंदर मैं डाल रही हूँ कॉन्सेंट्रेटेड इंक के ड्रॉप्स, 4 to 5 ड्रॉप्स हम कॉन्सेंट्रेटेड इंक्स के यहाँ पर लेने वाले हैं और मिक्स करेंगे। तो क्वेश्चन होगा कि रेजिन कितना लेना है। यहाँ पर आप रेजिन लेंगे 30 + 15, 30 आपका रेजिन होगा, 15 आपका हार्डनर होगा। इससे आपका मोल्ड जो है वो प्रॉपरली फिल हो जाएगा। ये जो भी आप ग्रीन डार्क सा कलर देख रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर सा ट्रांसलूसेंट और बहुत ही रिफ्लेक्टरी ग्रीन में कन्वर्ट होगा। बबल को हम ब्लो टॉर्च के साथ बर्स्ट कर लेंगे और क्योंकि सारी राखी हमारी ग्रीन में है तो थाली का भी थोड़ा सा पोर्शन हम ग्रीन में ही रखेंगे। अब इसके बाद हम चलेंगे आगे और इसको हम 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है फ्लावर बनाने का। तो जैसा आपने देखा कि थाली को थोड़ा सा एम्बॉस्ड बनाने के लिए हम इसके ऊपर एक 3D रेजिन फ्लावर बनाने वाले हैं, जिसके लिए हम वाइट ट्रेजर कलर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपको कितना रेजिन लेना है डिपेंड्स अपॉन कि यहाँ पर आपको फ्लावर्स कितने रिक्वायर्ड है। मुझे यहाँ पर 2 से 3 फ्लावर्स की ज़रूरत है, बट यूजली जब मैं मोल्ड के साथ काम करती हूँ ना तो मैं एक्स्ट्रा फ्लावर्स बना लेती हूँ। बट मैं आपको सिर्फ बताती हूँ कि इस छोटी सी थाली के अकॉर्डिंग आपको कितने फ्लावर की रिक्वायरमेंट है। सो आपको एक बड़ा फ्लावर और एक छोटा फ्लावर मीडियम साइज का वो रिक्वायर्ड होगा। और इसके लिए आपको रेजिन कितना चाहिए होगा, 20 + 10, 20 रेजिन एंड 10 आपका हार्डनर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए किस तरीके से मैंने स्प्रेडिंग शुरू कर दी है। अच्छे से स्प्रेड करेंगे क्योंकि ट्रेजर वाइट जो है ना वो आपकी ग्रीन सर्फेस के ऊपर बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। अगर हम मोल्ड की डेप्थ की बात करें तो फ्लावर मोल्ड की डेप्थ होगी 1 से 2 mm के बीच में, जिनसे फ्लावर काफी ज्यादा फ्लेक्सीबल बनते हैं। साथ ही जिस मोल्ड के अंदर हमने थाली का बेस बनाया था उसका डायमीटर जो होगा वो होगा अप्रॉक्स 4.5 to 5 inches, जिसके अंदर हमारा एक छोटा सा कॉम्पैक्ट थाली अच्छे से बन जाएगा। तो अब डीमोल्डिंग कर दी है एंड एज यू कैन सी जो फ्लावर है वो बिल्कुल मेरी थाली के एरिया को कवर कर रहा है। अब एक मीडियम साइज का फ्लावर मैंने एक और डीमोल्ड यहाँ पे कर लिया है। अब इसे डीमोल्ड करने के बाद सबसे पहले मैं स्नेक रोलर के साथ, यहाँ पर आप स्नेक रोलर की जगह हॉट एयर गन या फिर ड्रायर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, हल्का सा उसको सॉफ्टन अप कर एक बाउल के अंदर हम उसे बेंड कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो फ्लावर है वो प्रॉपर 3D वे में हमें नज़र आएगा। बट सबसे पहले हमें जो एक छोटे वाला फ्लावर है ना उसका हम बेस जो है वो इसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर पेस्ट कर देंगे विद इपॉक्सी। इसे मैंने बहुत अच्छे से गोल्डन मार्कर के साथ डेकोरेट करा, सुखा दिया और दूसरे फ्लावर को भी मैं यहाँ पे निकाल दूंगी। ये देखिए कितना सुंदर बैंड इसका आया है। तो हमें इसे इस तरीके से लगाना है ताकि फ्लावर ना एम्बॉस लगे। और नीचे की तरफ मैं फ्लावर पेस्ट कर रही हूँ ताकि ना जो थाली है, क्योंकि हम 3D फ्लावर थाली कह रहे हैं तो इस थाली को जिस भी डायमेंशन से जिस भी तरीके से देखा जाए बिल्कुल फुलफिल्ड लगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको नीचे की तरफ जो पहले फेविकॉल के साथ पेस्ट कर लिया, थाली के भी साइड की तरफ गोल्डन मार्कर के साथ हमने लाइनिंग कर ली। देखिए खूबसूरती, देखिए कितनी ज़्यादा इसकी निखर कर आ रही है। हल्का सा ड्राई कर लेंगे जल्दी मार्कर के साइन को ताकि इसके ऊपर इपॉक्सी की लेयर हम टाइमली डाल सके। अब यहाँ पर मैंने रेजिन मिक्स कर लिया है। रेजिन सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्लावर को पेस्ट करने के लिए। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप इस फ्लावर को फेविकॉल के साथ भी पेस्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इसको रेजिन के साथ भी पेस्ट कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसे किस तरीके से बैलेंस आउट कर सकें। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही थिन कोट लिया है रेजिन का। आप चाहें तो आप यहाँ पर 6 + 3 मतलब कि 6 grams आप रेजिन एंड 3 grams आप हार्डनर का ले सकते हैं और एक पतला सा कोट हम अप्लाई कर देंगे पूरे सरफेस के ऊपर। अब इस कोट को अप्लाई करने के बाद सबसे पहले जो बारी आएगी वो आएगी फ्लावर को रखने की। बेस जो है वो टिल्टेड ना रहे इसलिए मैं इसको कप के ऊपर रख रही हूँ। अब इसका ट्रांसलूसेंट देखिए, उठाते ही एक ब्लैक सर्फेस से किस तरीके से रेडिएशन आ रही है ग्रीन कलर की। सबसे पहले सेंटर में एक सेंटर को देख के फ्लावर रख दिया, वाइट बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ग्रीन के ऊपर। और अब सेंटर में 1-2 ड्रॉप रेजिन के डालकर, जो बचा हुआ रेजिन बचा है मेरे पास प्रीवियस कोट के बाद, उसकी मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाली और बहुत ही ज़्यादा जेंटली जो फ्लावर है उसको हमने सेंटर की तरफ जो है वो बिठाना है। 24 घंटे लगेंगे और थाली एज इट इज़ आपके पास रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इस थाली को बनाया एंड आपने देखा कि कैसे चुटकियाँ बजाते ही हमने जो है राखी जो बना दी हैं और उसी तरीके से जो थाली है वो भी हमने यहाँ पर जो है अच्छे से डेकोरेट करके बना ली है। सेंटर में हम एक क्यूट सी वट्टी पेस्ट कर देंगे रेजिन के साथ ही और देखिए हमारी टेंपल राखी सेट एब्सोल्युटली रेडी है।
इसे हमने बहुत अच्छे से सजाया है और अब आप भी इसे बनाना जरूर सीखें। सो आई होप आप सभी को मेरे साथ ये ब्यूटीफुल सा टेम्पल राखी सेट बनाकर बहुत मजा आया होगा। तो इस अमेजिंग सी टेक्निक को और ज्यादा प्रैक्टिस करें और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए ढेर सारी राखी बनाएं। आई विश यू ए वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। बाय।